दोनों हाथ में लड्डू। तो यहाँ पर एचआर इंटरनेशनल ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है, कि आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो है ना, और साथ साथ में आपको पार्ट टाइम जॉब। एक हफ्ते में जो वहाँ का एक रूल है उसके हिसाब से आप कितने घंटे काम कर सकते हो, सब लोग बोले कितने घंटे, 28 आवर्स आप जो है वो एक हफ्ते में काम कर सकते हो। तो एक दिन में कितना हुआ, एक दिन में 4 आवर्स, सर बोल रहे हैं 4 आवर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक घंटे में देखिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, फॉर बीइंग अ स्टूडेंट यू विल नॉट एबल टू वर्क फुल टाइम जॉब देयर है ना, आप सिर्फ वहां पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जब तक आपका कोर्स, उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो मेन जो है लैंग्वेज, मुझे लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना है। एक बार मेरी लैंग्वेज पे कमांड हो गई फिर तो मैं जितना चाहूँ वहाँ पे रन कर सकता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। इसके बारे में सर हम लोग के होगा क्वेश्चन आंसर, तो आप जो भी जिसकी क्वेरीज है आप उसके बारे में पूछ सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके लिए जो भी होता है, अगर हम वन मंथ के हिसाब से देखें, बेसिकली सिंपल सा, वहाँ पे तो करेंसी यही चलती है, तो हम इंडियन करेंसी के हिसाब से जो हमारे रूपीज है उसमें लेंगे, तो मिनिमम आप जो है पार्ट टाइम जॉब यानी लैंग्वेज जो सबसे मेन है वो सीखने के साथ साथ आप 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ आप अर्न कर सकते। कितना जिसके ऑन बिहाफ में आप एक अच्छी सैलरी जो है वहाँ पे अर्न कर रहे हो, वहाँ पे बेहतरीन जो है हॉस्टल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप रहोगे, बेहतरीन अकोमोडेशन है, सारी चीज जो है बिल्कुल वेल फर्निश्ड है, और क्लीनिंग को आप जानते हो जापान के बारे में फेमस है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी है कि वहाँ पे अगर जो हम लोग जिस काम को खराब समझते हैं, ये काम कितना गंदा है, वहाँ पे वो काम भी बड़े साफ सफाई तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। व्हाइट और ब्लू, व्हाइट कॉलर में से एक एग्जाम्पल बताइए, और ब्लू कॉलर में से समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जी। तो इसके अंदर देखिए, हमने पीछे भी डिस्कस किया था लैंग्वेज, तो आप अपना माइंडसेट ये बना लो कि एनी हाउ आई हैव टू लर्न द लैंग्वेज। एक बार मैंने, और लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, सऊदी अरब आप में से कई लोग गए होंगे, कोई ने ट्रेनिंग भी नहीं होगा, कोई क्लासेस नहीं गया होगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, किसी आदमी ने भी वहाँ पे कोई कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं करी होगी जिसमें उसने बजाबते जो है वो अरबी सीखी हो, सीखी है किसी ने नहीं सीखी, मोस्टली नहीं सीखते, मगर जब इन्वायरमेंट हमें ऐसा मिलता है ना, फॉरनर जो होते हैं हम लोग देखते हैं, हम लोग को इंग्लिश बोलने में कितना हेजिटेशन होता है, 10 लोग आ जाए तो इंग्लिश निकलती नहीं है अंदर से, और वही फॉरनर बच्चा जो है पैदा हुआ है कोई इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी है और वो इंग्लिश बोल रहा है, उसका रीजन क्या होता है, इन्वायरमेंट। इंसान जो है 99% जो इन्वायरमेंट से बनता है, आपने देखा होगा जब सर्दी का मौसम आता है तो आप कोई आपसे आके बोलते नहीं भाई स्वेटर पहन, कोई बोलता है, आपको खुद एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि सर्दी होती है टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा कूल होता है, तो सबके सब इतने होशियार है, अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, जहन दिया है हम लोग को, सबके सब स्वेटर पहन लेते, बताना ही पड़ता ना क्यों, इसी वजह से क्योंकि एनवायरनमेंट का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, माहौल जो होता है ना, जो एनवायरनमेंट होता है उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। आप यहाँ रहकर अगर कोशिश करो जापानीज लैंग्वेज पूरी में सीख के फिर जाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, जो मैं खुद बोल रहा हूँ क्लियरली फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा, कि आप यहाँ रहकर ये इमेजिन करो कि हम सारी लैंग्वेज पे हम कमांड हासिल कर लें, उसके बाद जाके जापान बहुत ज्यादा अर्न करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम एनवायरमेंट की वजह से, क्योंकि हमारे इधर जापानीज बोलने का माहौल